और इनका मास कितना 625 था ना, देखा होगा फोटो में इनका नाम, देखो क्या नाम है, नाम बता सबको, नाम बता दो, फरान, फरान नाम है, देखा फोटो लगी हुई है उसमें। नीचे वाली जो रो लगी है पहले रो में है 625 नंबर वाली रो, देखो 657 नाम नंबर जिनका जहीर है, जहीर भाई का केजीएमसी लखनऊ मिला है, वो आ रहे हैं आज या कल आपको मिलवा देते हैं। 657 उस्मान अंसारी, 629, 625 फरान, और उसके बाद शिवम राजपूत 634। तो कहने का मतलब ये लोग बहुत अच्छे से रेगुलर लग के पढ़ाई की और सिलेक्शन हो गया इनका, समझ लो। फरान खान है देखा, तो अगर कुछ पूछना हो कुछ ऐसी जो उनको करना है तो तुम बात कर सकते हो, जो कैसे पढ़ा कैसे करो। इनकी एक बात लेकिन रेगुलर मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही पंचुअल होगी पूरी क्लास की और टेस्ट की, इनका सिलेक्शन कोई भी तरीके से, जैसे इनको कोई भी डाउट होता कुछ होता बस आके आराम बैठ जाते थे। और इसे इनसे पहले एक लड़का था वो बैठा खड़ा हुआ है, मयंक पाठक वाला पहना हुआ है। मयंक पाठक की क्या खास बात होती, पेपर देने आता था पढ़ने, तो पेपर जब देता था तो 2-2.5 घंटे करके खत्म कर देता था, उसके बाद आधा घंटा बैठ के मिलाता था, 2-4 क्वेश्चन जो गलत होते उसकी बात करता तो चला जाता। आप लोग भी ऐसा करिए और सिलेक्शन, और इनको पहले सबसे पहले मैंने मोटिवेट कर दिया। मुझे जी एम सी कन्वर्स मिला है और अभी 15वीं काउंसलिंग हुई है, उसके बाद उन सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन का चांस है, तो हो सकता है कि मैं सैलरे या फिर आगरा किसी भी कॉलेज। देखो मेडिकल कॉलेज कोई नहीं, और मेडिकल कॉलेज तो वैसे भी कोई साल नहीं, गवर्नमेंट वो होता है तो ठीक, उसकी अलग ही खुशी है। देखो इनको स्टेथोस्कोप और अपना मिलेगा, अपनी भी बनाना, मैं आपकी बनाऊं। ये इसकी कीमत भले कम है अभी, लेकिन इसकी कीमत बहुत है, सही से देखा जाए इसकी कीमत करोड़ों रुपए पैसे से नहीं नाप सकते, बहुत मेहनत के बाद ही मिलता है, और कितनी रातें जगने के बाद कितनी मेहनत के बाद ही मिला होगा ये, इसकी वैल्यू वही समझ सकता है जो तैयारी कर रहा है, सबके बस की बात नहीं, समझ पाना इस चीज़ को, समझ सकते हो राहुल इसकी कीमत। ये विक्ट्री साइन दो, ठीक है, और कुछ अगर पूछना हो पूछ लो, कैसे तुम्हें पढ़ना है मोटिवेट करने किसी को, अगर हाँ कोई डाउट हो कि कैसे चले क्या पढ़े तो फिर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम भी पूछते थे जब बैठे होते थे तो, बल्कि मैथ तो जो है कोई आता था जबरदस्ती सर से कहता था तो जो है मोटिवेट करवाओ, क्योंकि अलग ही आनंद आता है कि जब आप स्ट्रेस हो कर रहे हैं और फिर मोटिवेट हो रहे हैं, तो फिर आपको भी लगता है कि पता नहीं कहाँ लैग कर रहे हैं, कुछ ऐसी कमी नहीं है जो हमें ना बताओ और सामने जो सिलेक्ट हो गया उसको बताओ और वो हमें बता जाए तो शायद हमारा भी जो है उस ब्रेक पे आ जाए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कैसा भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, और मेरा पर्सनली नंबर भी ले सकते हैं और बात भी पूछ सकते हैं। सबसे मतलब इनकी ये है, और कोई किसी वाहिद कोई पूछो, हाँ पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है। घंटे के हिसाब से जैसे क्या था कि पहले होता है कि कोई सोचता है कि मैं सुबह पढ़ लूँ फिर शाम को पढ़ लूँ, मेरा था कि सुबह शाम कुछ नहीं है, जब नींद आएगी तो सबसे पहले जाके नींद लो, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ है नहीं, जब मूवी देखने का मन करा सबसे पहले वो देखो, ऐसा नहीं कि पढ़ रहा हूँ मैं अब मूवी देखने का मन कर रहा है तो क्या कि पढ़ लो पहले ये कर लो वो कर लो, नहीं पहले से निपटा लो, फिर बाद में जो है फ्री हो के बिल्कुल पढ़ो। और रेगुलर मैं बताऊँ तो 8-9 घंटे प्रॉपर दिन का जो है वो हो जाती थी स्टडी, बीच में एक टेस्ट जरूर होता था, न्यू लाइट के टेस्ट जो थे मैं रेगुलर देने आता था कि 8-9 घंटे के अलावा जो है रेगुलर टेस्ट देता था, और जो जितने भी रैपिड फायर थे सब अटेंड करे हैं, नंदलाल सर से कॉन्टैक्ट करा हमेशा, और यहीं पे टेस्ट जोड़ के भी चला जाता था, ठीक घर जाके भी कुछ नहीं करना है, बैठ के मिलवाते थे यहीं जो है एक बार था मेरे साथ का, दोनों जो है यहीं बैठ के तुरंत बता के मार्क्स कितने मार्क्स हैं और जाके फिर घर पहुँच जाते थे। तो मतलब चिल रह के पढ़ें, ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हैं कि ये वो कर लें वो कर लें, 650 आ जाएँ 670 आ जाएँ,
बस मेहनत कर रहे हैं, जितना आएगा आ जाएगा, क्या करना है उसको। नहीं भी हो सकता है कि नहीं आते नंबर, तो क्या करते फिर, स्ट्रेस होकर थोड़ी बैठ जाते कि परेशान हो गए कि ये गुटखा सिगरेट कुछ भी पी रहे हैं। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ाई है भाई, आप पढ़ रहे हो, अब क्या है, कभी कभी लग काम नहीं करता है, हो सकता है आप एक बार में सिलेक्ट ना हो, तो उसमें क्या, पिछली बार हमारे मार्क्स नहीं थे 625, 500 पे ही रुक गए, तो क्या था, घर वालों ने सपोर्ट करा, टीचर्स ने सपोर्ट करा कि भाई क्या एक बार में तो नहीं होता है ना, धीरे धीरे ही सब पढ़ते हैं। अब 2 साल का सिलेबस आप कैसे पढ़ सकते हो एक बार में, कुछ होते हैं कि यार अभी कर लें कि रात में जो है अगले दिन नीट हो और हम सिलेक्शन ले लें, ऐसा थोड़ी होगा, इतना बड़ा सिलेबस है तो धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ेगा, टिप्स पे लेनी पड़ेगी चीज़ें, एक चैप्टर कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा, इरीटेट हो जाओगे बहुत ज़्यादा कि बंद कर दो किताबें, क्या करो किताबें फाड़ दो, ऐसा वैसा ही बहुत बार होगा। तो जो है हर चीज़ को मैनेज करके चलना है, पढ़ते रहना है बस, अगर पढ़ते रहे टेस्ट देते रहे तो पता भी नहीं चलेगा कब सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात भैया माइंड फ्री हो के मतलब स्टडी करना चाहिए, माइंड फ्री होना चाहिए, एक देखो नेचुरल जो पढ़ाई की टेंशन है वो तो आपको हो ही ना आएगी, टेस्ट में नंबर कम आए उसकी टेंशन होगी होगी, लेकिन दिल से नहीं ले लेना है कि उसकी टेंशन में दो दिन खराब करनी है।